informe de la jurisdicción. हेलो हेलो एवरीवन, आई एम जानवी चेलानी फ्रॉम टीम सहार एंड वी हैव स्टार्टेड दिस सीरीज ऑफ एक्सप्लेनिंग यू व्हाट इज ऑटो पायलट परचेस सिस्टम एंड वी हैव ऑलरेडी कंडक्टेड वन सेशन ऑन द फर्स्ट पार्ट दैट इज व्हाट इज ऑटो मिन मैक्स. फर्स्टली वी एक्सप्लेन यू हाउ यू कैन मैनेज योर शॉर्ट बुक विथ मिनिमम एंड मैक्सिमम. Then we understood what are those three ways to set a minimum and maximum quantities on all your SKUs. Lastly, we got into understanding how we can automatically set minimum maximum with the help of AI. And today we are going to continue that session only. And we are moving to another processes of procurement. All right. So this was all about like summarizing our previous sessions. Okay, like those who have not joined us in the previous sessions, we have YouTube video available or it's recorded there. You can check it out. So firstly, we understood through MinMax how we are generating the requirements. All right. Now, what is the next step after identifying that which products in how much quantity you need to order? So I'll explain this in Hindi also. सो हमने इसके पहले वाले सेशन में ये समझा था कि हम मिनिमम एंड मैक्सिमम सारी प्रोडक्ट्स पे कैसे सेट करेंगे और तीन तरह से हम सेटअप कर सकते हैं. और जो लास्ट वे था वो हम सहाय से एआई की हेल्प से मिनिमम एंड मैक्सिमम सेटअप करते हैं. सो प्रोक्योरमेंट में आपकी जो परचेज प्रोसेस है उसमें आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि कौन सी प्रोडक्ट मंगवानी है, कितनी क्वान्टिटी में मंगवानी. एक आइडियल सिचुएशन ले रहे कि आपकी जो शॉर्ट बुक है अब वो एआई से मैनेज हो रही है या ऑटो मिनमैक्स से मैनेज हो रही है. तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप इन परचेसिंग? एनीवन हु इज विलिंग टू आंसर इट वॉलंटियरली? जब हम बना लेते कि ये प्रोडक्ट्स हमें मंगवानी है इतनी क्वांटिटी में, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? ओके, सो नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि कौन से डिस्ट्रीब्यूटर से हमें मंगवाना है. वी सिलेक्ट द डिस्ट्रीब्यूटर्स. सो व्हाइल वी आर सिलेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स, वी चेक अप द मार्जिन्स, वी कंपेयर द मार्जिन्स दैट डिस्ट्रीब्यूटर हैज गिवन अस, वी चेक द स्कीम्स कि अभी कोई डिस्काउंट है या नहीं प्रोडक्ट के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूटर के पास अवेलेबल है या नहीं वो प्रोडक्ट. ओके, एंड द लास्ट स्टेप इज वी प्लेस द ऑर्डर, राइट? सो डिस्ट्रीब्यूटर सिलेक्शन, अब डिस्ट्रीब्यूटर सिलेक्शन आता है शॉर्ट बुक के अंदर. शॉर्ट बुक में आइटम्स होती है, आइटम्स के सामने डिस्ट्रीब्यूटर होता है. सो अभी कैसा होता है, आप जिनसे लास्ट परचेज करते हो उनका नाम आता है शॉर्ट बुक के अंदर कि आपने ध्रुवी फार्मेसी से कैल्कोल ऑर्डर किया. बट वहां पे आपको मार्जिन कंपेयर करने के लिए विथ एआई what we are doing, we compare your purchases, your past purchases. Okay, we check up to 3 months for particular product that what is the margin that particular distributor has given you. So uska hi hum ek demo dekhenge ki hum sahay se ai se kaise distributor select karte hain. Is my screen visible to all? Yes. Okay. So this is my short book. ये short book है. यहाँ पे अभी ये जो product है मेरे सामने,
अभी ये कितनी क्वांटिटी में ऑर्डर करनी है वो तो डिफाइंड है, बट लास्ट जो मैंने इनसे परचेस किया है वो गणेश मेडिकल स्टोर से परचेस किया है। देखिए, अब नॉट नेसेसरीली कि गणेश मेडिकल स्टोर से ही मुझे सबसे ज़्यादा मार्जिन मिला होगा। सो व्हाट वी डू विथ एआई, जैसे एलटीकेएच टैबलेट है, लास्ट मनीष मेडिकल कॉरपोरेशन से हमें उसका परचेस आया है विथ 27.29% मार्जिन। बट अगर हम 3 मंथ्स में कंपेयर करें देन संकल्प डिस्ट्रीब्यूटर से हमें 41% मार्जिन मिला है प्रोडक्ट पे। सो रादर देन प्लेसिंग ऑर्डर इन मनीष मेडिकल कॉरपोरेशन, एआई विल चूज संकल्प डिस्ट्रीब्यूटर्स टू प्लेस ऑर्डर। लाइक यू कैन सी सहायज लोगो राइट बिसाइड द डिस्ट्रीब्यूटर। सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर सिलेक्शन लाइक चेकिंग द मार्जिन दैट वी आर डूइंग थ्रू एआई, राइट? नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप व्हिच आई टोल्ड यू दैट देन वी कंपेयर, वी चेक द स्कीम्स, वी चेक द अवेलेबिलिटी, राइट? दैट प्रोसेस दैट हैज टू बी डन बाय यू। आपको ही कॉल करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटर को और उन्हें पूछना होगा कि संकल्प डिस्ट्रीब्यूटर के पास अकॉर्डिंग टू एआई वी आर गेटिंग दी बेटर मार्जिन, बट प्रेजेंट में वो स्कीम है या नहीं है वो आपको कॉल करके या व्हाट्सएप के थ्रू उन्हें पूछना पड़ेगा, राइट? क्योंकि आज जो स्कीम चल रही है वो हम इवाइटल से नहीं आपको बता सकते। लाइक पीपल यूज थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स जहाँ पे आप स्कीम चेक कर सकते हो, मार्जिन चेक कर सकते हो, प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं वो सब चेकअप कर सकते हो। सो जब हमने डिस्ट्रीब्यूटर सिलेक्ट कर दिया है, राइट? तो डिस्ट्रीब्यूटर सिलेक्ट करने के भी हमारे पास एआई में 3 तरह से ऑप्शन होता है। सो दिस इज माई लेआउट फॉर सहाय। फर्स्ट वॉज ऑटो मिनमैक्स विच वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेशन। नाउ कम्स डिस्ट्रीब्यूटर सिलेक्शन। सो यू हैव 3 पैरामीटर्स, आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर सिलेक्ट करने के। फर्स्टली मार्जिन डिस्काउंट एंड स्कीम, क्रेडिट नोट एंड डिस्ट्रीब्यूटर सिलेक्शन। तो जिसे भी आप प्रेफरेंस देंगे, जैसे कि मेरे लिए मार्जिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। फॉर मी मार्जिन प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल व्हेन आई एम प्लेसिंग द ऑर्डर। सो आई हैव गिवन 100% प्रेफरेंस। लाइक वेन एवर ए आई इज चेकिंग विच डिस्ट्रीब्यूटर इट शुड सिलेक्ट, इट विल गिव मोर प्रेफरेंस टू मार्जिन। सपोज आई हैव 3 डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर कालपोल। वन इज गिविंग मी 25%, अनदर इज गिविंग मी 30%, एंड द लास्ट वन विद 20% डिस्काउंट। सो सिंस आई हैव नॉट गिवन एनी प्रायोरिटी टू क्रेडिट नोट एंड डिस्ट्रीब्यूटर रेटिंग, सहाय विल ओनली चेक दी मार्जिन्स। सिंस आई हैव 100% प्रेफरेंस ऑन डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन डिस्काउंट, इट इज ओनली चेकिंग एंड कंपेयरिंग बिटवीन 25, 30 एंड 20, राइट? आई कैन डिस्ट्रीब्यूट द प्रेफरेंस हियर, लेट्स से 50-50। अब जब मैंने मार्जिन एंड क्रेडिट नोट में इक्वली मेरा प्रायोरिटी डिवाइड किया है, इट इज सिलेक्टिंग दी थर्ड डिस्ट्रीब्यूटर। ओके, सो अगर आपके लिए क्रेडिट नोट, आपका जो आपने परचेस रिटर्न बनाया है डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, एंड आपको वो सेटल करना है डिस्ट्रीब्यूटर से, सो यू विल गिव मोर प्रायोरिटी टू सी ए। यहाँ पे अभी सहाय ने मार्जिन को देखा ही नहीं, वी आर ओनली कंपेयरिंग बिटवीन द सी ए, 20,000, 5,000 एंड 40,000, विच एवर वॉज हायर वॉज सिलेक्टेड। ओके, सो आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम यू वेन एवर यू आर प्लेसिंग ऑर्डर्स। आप जब भी ऑर्डर प्लेस करते हो आपके लिए क्या प्रायोरिटी रहती है? स्कीम चेक करना इम्पोर्टेंट रहता है कि अवेलेबिलिटी होनी है या नहीं डिस्ट्रीब्यूटर के पास, आपके लिए वो इम्पोर्टेंट रहता है। जिस तरह से भी आपका प्रोक्योरमेंट है, आप हमें बताइए कि आप किस तरह से ऑर्डर प्लेस करते हो। ओके, सो आपसे मुझे एक ये भी जानना है कि आप जो क्रेडिट नोट पेंडिंग होता है डिस्ट्रीब्यूटर का, उसको किस तरह से सेटल करते हो?
अगर परचेस रिटर्न मैंने बनाया है किसी डिस्ट्रीब्यूटर का, राइट, सो नेक्स्ट जब परचेस करते हो तभी उनसे आप सेटल करते हो, या आपका सेटलमेंट का प्रोसेस कैसे रहता है? नेक्स्ट बिल जनरेट होता ना, उसमें डेबिट कर देते हैं। ओके, हर एक एक डिस्ट्रीब्यूटर एक एक तरफ से करते हैं, और एक पेमेंट करते हैं ना ड्यू बिल से, उसमें भी डिडक्ट कर देगा। यस मनोज सर, जानवी जी, ये तो इसमें डिपेंड करता है कि आपका किस तरह से डीलिंग है ना डिस्ट्रीब्यूटर से। अब जैसे हमारे यहाँ तो यही प्रैक्टिस है कि महीने हमारा पेमेंट जाता है तो जी उसमें ही डेबिट नोट क्रेडिट लेस हो जाता है, या फिर उसी स्टॉक के साथ में किसी का इस तरह का भी कभी कभी खरीदते हैं तो वो बिल में भी कर देते हैं, तो इसको पर्सन टू पर्सन और डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर है। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो लॉजिक है कि क्रेडिट नोट और मार्जिन आपको हम प्रेफरेंस दे सिलेक्ट करने का, तो ये इस तरह से चलता है कि अगर आपका पेंडिंग सीएन है किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास, आप जब उनसे नेक्स्ट परचेस कर रहे हो तो चेक कर सकते हो कि कौन से डिस्ट्रीब्यूटर के पास सबसे ज्यादा सीएन है पेंडिंग। तो जब आप उनसे परचेस कर रहे हो, जब आप कोई ऑर्डर लिखवा रहे हो, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर से मंगवाओ जहाँ पे आपका सीएन पेंडिंग है, ताकि नेक्स्ट परचेस में आप वो सेटल कर पाओ। तो जो मार्जिन और आपका क्रेडिट नोट है वो पैरेलली साथ में चलेगा। ओके, यस युवराज सर, एक मतलब एटलीस्ट मेरे साथ तो हम ये क्रेडिट भी होती है, हर डिस्ट्रीब्यूटर हमें अलग अलग क्रेडिट देता है, और कभी कभी हम वो भी चेक करते हैं कि किसी का 2 लाख का क्रेडिट है तो हम उसको क्रेडिट नोट नहीं, क्रेडिट हमें 45 डेज या 30 डेज तक का, तो वो इसमें ओके कहीं फैक्टर होता नहीं है। और दूसरा ये है कि जब मैं ये यूज करता हूँ तो मान लो दो डिस्ट्रीब्यूटर एग्जैक्ट सेम मार्जिन दे रहा है, बहुत सारे केसेस में होता है, उसके बाद सहायक ऐसे चूज करता है, कभी कभी हमारा प्रेफरेंस होता है कि अगर दोनों में सेम आ रहा है तो मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर को चूज करता हूँ पर्सनली। तो वो सहाय के केस में क्या हो रहा है कि वो हर बार मार्जिन अगर सेम है तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर चूज कर लेता है, और इसलिए मैं वो यूज नहीं करता हूँ, कर पा रहा हूँ। जैसे मेरा एक प्रेफर्ड डिस्ट्रीब्यूटर है, मार्जिन अगर सेम है तो प्रेफर्ड डिस्ट्रीब्यूटर के को ही मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा, रादर देन प्लेसिंग एन ऑर्डर टू अ स्मॉलर डिस्ट्रीब्यूटर जिससे शायद मैं लास्ट बार खरीदा हो या कुछ हो, तो वो फैक्टरिंग इसमें नहीं हो पाता है। दो चीज, क्रेडिट लिमिट, और अगर मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है तो सब कुछ अगर सेम है तो एक प्रेफरेंस हमें भी दे दो कि आप सब सेम होने के केस में उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास हम ऑटो प्लेस कर देंगे या ऑटो सजेस्ट कर देगा सहाय। हेलो सर, पूछिए। हाय पूजन, या सो सर, बेसिकली राइट नाउ ऐसा होता है कि अगर मार्जिन सेम हो तो लास्ट आपने जो परचेस किया है उसको ही जाता है ऑर्डर, राइट। उसका रीज़न ये है कि सर, हाँ उसका रीज़न ये है कि अगर आपने तीन लास्ट थ्री परचेस किए, ठीक है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर से, तो आपने जिनसे लास्ट परचेस किया है उनसे आपको फिर से माल मिलने का प्रोबेबिलिटी वो ज़्यादा रहता है रादर देन उससे पहले परचेस किया है। क्योंकि आपने अगर 2 महीने पहले परचेस किया है और 15 दिन पहले परचेस किया है, ठीक है, तो आपने अभी जो लेटेस्ट जिनसे लिया है उनसे फिर से आपको माल मिलने का जो चांस होता है वो ज़्यादा होता है, राइट। इसलिए हम लास्ट वाला ला के रखते हैं, राइट। लेकिन आप जो प्रेफरेंस का बोल रहे हो कि कोई एक फिक्स प्रेफरेंस सेट होता है, तो अगर वैसा होता है तो भी हम ऐसा है तो एक बार देख सकते हैं कि इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, वरना जैसे मैं बताऊँ, फार्मा रैक में एक ऑप्शन होता है जिसमें मैं अपना डिस्ट्रीब्यूटर प्रेफरेंस सजेस्ट कर दूं, तो अगर मैं प्लेस करता हूं ऑर्डर, मान लो मैंने डोलो 650 किया, तो सबसे पहले वो डिस्ट्रीब्यूटर दिखाएगा जो मेरा प्रेफरेंस में वन है। अगर उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास माल नहीं होता है तो मुझे वो सेकेंड या थर्ड या फोर्थ जिसके पास भी अवेलेबल हो उसी ऑर्डर में दिखाता है फार्मा रैक में। ऑब्वियसली हमारा सहाय मेनू डिफरेंट है, बट वो प्रेफरेंस सर, वो आइटम लेवल इम्पोर्टेंट पे, हो जाता वो है। आइटम लेवल पे स्टोर करते हो आप? वो तो नहीं ना, हाँ वो तो फार्मर एक खुद आइटम लेवल पे बताता है, मतलब अच्छा, ठीक है। मैं नहीं, स्टोर कर दिया पहले पहले बोल दिया कि डिस्ट्रीब्यूटर ए टॉप प्रेफरेंस डिस्ट्रीब्यूटर, बी डिस्ट्रीब्यूटर, सी डिस्ट्रीब्यूटर, डी, प्रोडक्ट ओके लेवल पे नहीं।
पांच डिस्ट्रीब्यूटर का मैंने रैंकिंग बता दिया कि मेरा ये प्रेफरेंस है। अब जब मैं मेडिसिन डालता हूँ, मान लो मैंने डाला डोलो 650, तो डोलो 650 अगर मेरे प्रेफरेंस वन पे अवेलेबल होगा तो वो सबसे ऊपर वो दिखाता है, अगर प्रेफरेंस वन पे अवेलेबल नहीं होगा तो सबसे ऊपर मेरा प्रेफरेंस टू का दिखाएगा कि प्रेफरेंस टू एक्स वाई जी के पास डोलो 650 है। मान लो प्रेफरेंस वन रिपोर्ट किसी के पास भी नहीं है तो वो डायरेक्टली प्रेफरेंस फाइव दिखाएगा। अब वो दिखाता है, यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हो कि आप ये सब कुछ सेम है, मार्जिन सेम है, क्रेडिट नोट भी या उसका प्रेफरेंस नहीं है जो भी, तो देन आई विल सजेस्ट प्रेफरेंस वन जो कस्टमर का हो सकता है, मेरा अलग हो और किसी और का अलग हो, तो मुझे सजेशन मिलेगा कुछ और किसी और को, मैंने उसको दे दिया है जिसमें मार्जिन सेम है थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटर, तो मैं उसको फिर प्लेस नहीं करता हूँ, मैं बड़े वाले को प्लेस कर देता हूँ क्योंकि चांसेस कि उनका फुलफिलमेंट होगा ज्यादा होता है छोटे अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर से। ठीक है, समझ गया सर। जी सर, जी कृष्ण सर। हाँ पूजन जी, ये डिस्ट्रीब्यूटर प्रायोरिटी की बात है, उसके लिए हाँ हमें डिस्ट्रीब्यूटर लिस्टिंग के अंदर ही प्रायोरिटी पहले मेंशन कर देनी है कि ये मेरा प्रायोरिटाइज डिस्ट्रीब्यूटर्स है, प्रायोरिटी 1, 2, 3, 4, 5, 6। वो एक बार प्रायोरिटाइज हो जाने के बाद में अभी जो हमारा एआई यूज कर रहा है वो प्रिफरली बाय फॉर्मेट में हो जाना चाहिए। अगर मैं बार बार एक चीज एक डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहा हूं तो वो नेक्स्ट टाइम के लिए भी उसी को सजेस्ट करेगा, और वो शायद अभी कर भी रहा है उसी तरह से। ठीक है, देख मैं भी एक बार बात कर लेता हूँ कि अगर ऐसा कुछ पॉसिबल है तो। लेकिन उसमें आपने जैसे बताया, मैं भी एक चीज़ एक केस ऐसा भी है कि क्या होता है कि आपका जो फिक्स डिस्ट्रीब्यूटर होता है, ठीक है, कि इनसे ही आता है, क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में 80% आइटम्स होती है वो एक या दो डिस्ट्रीब्यूटर ही फुलफिल कर देते हैं, नॉर्मल केस में ये होता है। लेकिन कभी कभी मैंने ये भी देखा है कि उनका कोई प्रेफरेंस फिक्स ही नहीं होता है, ठीक है, और उनका ऐसा रेशियो होता है कि 4, 5, 6, 7, 8 डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, और जिनसे भी उनको मिलता है वो उनसे प्रोक्योर करते हैं। उनका रीज़न ये होता है कि वो बहुत सारी एसक्यूज कैरी करते हैं, या लाइक नॉर्मल से ज़्यादा एसक्यूज कैरी करते हैं, तो वो किसी एक या दो डिस्ट्रीब्यूटर पे क्या है कि वो डिपेंड नहीं रह सकते, तो एक ये भी केस है। ठीक है, लेकिन हाँ, मैं बट आपकी बात समझ उस गया केस कि आप में क्या मेरे कहना ख्याल चाहते हैं। से रिटेलर, उस केस में रिटेलर अपना प्रेफरेंस शायद सेट नहीं करे, मतलब वो तो रिटेलर फिर रिटेलर चेंज होगा ना, हर का अलग अलग प्रेफरेंस होगा उस चीज का। हाँ, समझ गया समझ गया सर। ठीक है सर। यस संजय सर। भाई, ये यस क्वेश्चन मैंने पहले भी किया था, ये हाँ जो प्रायोरिटी के हिसाब से जो आपके सामने ये था, और हाँ सर दूसरी वो बात कि देखो आपके सामने आया है वो क्वेश्चन, क्योंकि रिटेलर को हाँ ये अच्छा रहेगा प्रायोरिटी का। और सेकंड, मैंने अभी जस्ट थोड़े दिन पहले भी मैंने एक सजेशन दिया था कि समझो कि हाँ कुछ चीज ऐसी होती है कि शॉर्ट बुक के अंदर वो नंबर तो आ जाना चाहिए प्रायोरिटी के हिसाब से भी वो डिस्ट्रीब्यूटर के सामने। तो हम लोग एक्सेल फाइल बनाते हैं तो जो हमारा वक्त 12 घंटा या 1 घंटा बिगड़ता है, उसकी जगह विद इन 3 या 4 मिनट में हो सकता है कि नंबर की वजह से। और दूसरा, हाँ मेरा एक सर यस क्वेश्चन, जानी बहन से मैंने बात किया था और जानी बहन मेरे साथ वो भी थे, साथ बात कर रहे थे। अभी हाँ कुछ चीज ऐसी होती है कि कुछ चीज हमने समझो कि 10 महीने पहले या 9 महीने पहले लिया, हाँ अब ये काम तो कर रहा है, स्टाफ काम कर रहा है पूरा, तो मैंने उनको बताया कि पहले भी कभी आया होवे, जैसे कुछ चीज ऐसी होती है जनरी के अंदर। मैंने जब जानवी बेन से बात किया तो मेरा वो दिन का लॉस 400 रुपये का हुआ है। अभी वो मैंने हाँ देखा तब 400 रुपये का है, क्योंकि काम कर रहे हैं पूरी दुकान में स्टाफ काम कर रहे हैं। तो पहले हमारे पास जो शॉर्ट बुक के अंदर ही वो आ जाए कि भाई ये चीज इनसे लो तो फायदा रहेगा। हाँ अच्छा, आप ये अल्टरनेटिव की बात कर रहे हो, अच्छा है। आप अल्टरनेटिव की बात कर रहे हो। नहीं, सहाय की बात कर रहा हूँ। जानी बहन से मैंने बताया था कि बाजू में एक डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा दिखना चाहिए जिनके पास से हमें पहले इससे भी कम दाम में आया है। ये 90 दिनों का बता रहे, ये 3 महीने का बता रहे, तो हाँ अच्छा, ठीक है, आपको और पास में समझे जाना कि है। कोई 5 या 6 महीने पहले भी आई हुए। तो हाँ सर, वो फीडबैक हमने ऑलरेडी वो हमारे पास है, वो 6 महीने का हो जाएगा सर। मतलब आपका हाँ, तो पूरा क्या है जो कि वो हाँ वो पूरा रन हमारे पास होता है ना। पहले चॉइस है। आप उज्जैन भी बोलिए तो
हाँ मैं समझ गया सर, वो जो अभी 3 महीने का है वो बढ़ा के रेंज 6 महीने का हो जाएगा, तो आपका चॉइस बढ़ जाएगा। आपने अगर पास में परचेस किया 4-5 महीने पहले तो भी आ जाएगा। और इससे क्या होगा, हम माल लेने से पहले ही वो गलती रोक देवे तो हमारा जो पर डे का लॉस है वो रुक सकता है, क्योंकि हम लॉस करने के बाद बोलते हैं, उससे अच्छा तो लॉस नहीं हो उससे पहले बता देवे तो वो अच्छा रहे ना। हाँ सर वो समझ गया मैं, हो जाएगा 6 महीने तक हो जाएगा। 6 महीने तक आपको जिसने भी सबसे अच्छा मार्जिन दिया है वो मिल जाएगा। अभी 3 महीने का है, हम 6 महीने तक कर देंगे, उसके ऊपर फिर हम नहीं जा रहे अभी। किसके ऊपर? 6 महीने से ऊपर नहीं जा रहे हम, 6 महीने तक देख रहे हैं। ये होगा तो ये क्या है कि भूल होने से पहले हमारे पास चांस है, क्योंकि भूल होने के बाद हम उनको बार बार फोन करें तो वो नुकसान ही है। हाँ हाँ मैं समझ गया सर, समझ गया। और मुझे, मैंने शॉर्टबुक का जो एक्सेल फाइल बनती है उसका भी मैंने बताया था आपको, तो मुझे वो प्रायोरिटी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटर के हिसाब से निकल जाए सर। मैं वो तो हमारा काम करने में बाद में कॉल करता हूँ, उसके लिए हमने ऑलरेडी लाइक हमने डिस्कशन चालू कर दिया है कि उसको कैसे मैनेज कर सके, उसके लिए मैं आपको ऐसा है तो बाद में कॉल करता हूँ। ऐसा कोई बात नहीं, आपको जब लगे तब। हाँ सर, हाँ ओके। सो इन 3 प्रायोरिटी पे हम करंटली मिनिमम मैक्सिमम सेट, ये प्रायोरिटी हम सेटअप कर सकते हैं। अभी जैसे सजेशन आया है कि हम क्रेडिट साइकिल भी कंसिडर कर सकते हैं इसके अंदर, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे। बट अभी अगर आपने यहाँ पे जिसको जितनी प्रायोरिटी दी है उसके बेस पे आपके शॉर्ट बुक में डिस्ट्रीब्यूटर सिलेक्ट होके आता है विद द सहाय लोगो। अभी जो डिस्ट्रीब्यूटर के आगे सहाय का लोगो है दैट इज सिलेक्टेड बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस। आपने जो प्रेफरेंस डाला है उसके बेस पे ये सिलेक्टेड आए हैं, और जिनके आगे सहाय का लोगो नहीं है दैट मीन्स उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इतनी परचेस ही नहीं है कि उसमें हम कुछ एनालिसिस करें, कुछ कंपैरिजन करें। जैसे इस प्रोडक्ट का सिर्फ एक ही परचेस है, सो इनके हमें मार्जिन कंपेयर करने का रेंज ही नहीं मिला, तो हमने लास्ट सिलेक्टेड डिस्ट्रीब्यूटर, लास्ट परचेस डिस्ट्रीब्यूटर ही सिलेक्ट किया। ओके सो ये हमने नेक्स्ट स्टेप तक हम आ गए कि रिक्वायरमेंट जनरेट कर दिया है और उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूटर भी सिलेक्ट कर लिया। ओके अब 4th स्टेप आता है इसके अंदर। राइट, 4th स्टेप आ गया परचेस ऑर्डर बनाना। पहले हमने मार्जिन कंपेयर कर लिया, स्कीम भी चेक कर लिया, अवेलेबिलिटी भी वी चेक। नाउ द 4th स्टेप दैट कम्स इज प्लेसिंग द ऑर्डर। सो व्हाट एग्जैक्टली इज परचेस ऑर्डर? सो व्हाट एवर देयर इज इन शॉर्ट बुक, there is an item, there is a distributor selected. So let's suppose there are 5 products for which one distributor is selected. So what you do, you click on the items and select a distributor and create a formal purchase order that these are the products in these quantities which has to be ordered from this particular distributor. Like this is what we call purchase order, a list of items. Like अब ये परचेस ऑर्डर सभी को क्यों यूज करना चाहिए? ठीक है, ये सब काम आप लोग नोटबुक एंड पेन में भी मैनेज करते हो, दैट कैन बी मैनेज्ड मैन्युअली आल्सो एंड यू ऑल आर डूइंग इट। बट व्हाई टू फॉर्मली यूज दिस परचेस ऑर्डर प्रोसेस? बिकॉज सिस्टम में आप सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहे हो, तो उसका हम आपको AI से पोस्ट परचेस एनालिसिस प्रोवाइड कर सकते कि आपने कौन सी प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में मंगवाई थी और उसके अगेंस्ट में आपको कौन सी प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में रिसीव हुई। राइट, वी विल कम टू दैट पार्ट इन डिटेल। ओके, बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इफ यू वांट टू यूज परचेस ऑर्डर, दिस इज द मैंडेटरी शॉर्ट बुक सेटिंग दैट यू विल हैव टू यूज। इसके लिए डिटेल वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है कि अगर आप PO पे स्विच होना चाहते हो सो आपकी जो सेटिंग्स है वो सिर्फ ऑर्डर स्टेटस पे ही एप्लीकेबल होगी। इसका मतलब इन शॉर्ट ये होता है कि अगर आप कालपोल संकल्प डिस्ट्रीब्यूटर से मंगवा रहे हो तो उसी डिस्ट्रीब्यूटर से वो परचेस आना चाहिए। ओके, देन इट कैन नॉट कम फ्रॉम ध्रुवी फार्म। ऑलराइट, दिस आर सम ऑफ द लिमिटेशंस दैट हैज टू बी फॉलोड व्हेन यू आर यूजिंग परचेस ऑर्डर। ओके, नाउ देर आर 2 ways थ्रू विच यू कैन जनरेट अ परचेस ऑर्डर। फर्स्ट इज मैनुअल एंड अनदर इज ऑटो। दो तरह से हम परचेस ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। फर्स्ट है कि हम मैन्युअली PO शॉर्टबुक में से क्लिक करके बना सकते हैं, एंड दूसरा तरीका है सहाय से, जो हम ऑटो PO बनाते हैं।
अब सहाय में भी दो तरीके है, देर आर टू ऑप्शन थ्रू विच वी कैन क्रिएट परचेस ऑर्डर ऑटोमेटिकली थ्रू AI. द फर्स्ट ऑप्शन गिव्स यू द फ्लेक्सिबिलिटी टू यूज फिल्टर्स. लेट सपोज आई एम नॉट ऑर्डरिंग एवरी डे, सो आई विल सिलेक्ट अ पर्टिकुलर डेट रेंज फॉर विच आई हैव टू प्लेस ऑर्डर. I can use many filters, those are there in shortbook, and then generate auto PO. Another option is for those retailers who are generating PO multiple times in a day, jinke store pe ek hi din mein do baar deliveries aa rahi, so unke liye ek alag option hai. And jo everyday ordering nahi karte, everyday purchase nahi aate, unke liye ek alag option. Okay, hum dono hi one by one samjhenge ab. ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, परचेस ऑर्डर का जो मेन सोर्स है वो शॉर्टबुक ही है. शॉर्टबुक में जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर के सामने आइटम सिलेक्टेड है, जो भी क्वांटिटीज है, वही मेन सोर्स है परचेस ऑर्डर बनने का. सो फर्स्ट ऑप्शन मैनुअल PO है, उसका एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है. आज के हम सेशन में जानेंगे कि AI से हम कैसे दो तरीके से PO बना पाएंगे. सो आपको यहाँ पे दिख रहा है, देयर इज एन ऑप्शन कॉल्ड ऑटो PO on the top right. So if I click on it, जितनी भी आइटम्स पेंडिंग में है, ये जितनी भी आइटम्स पेंडिंग में है उसी का PO बनेगा. पहली चीज ये हुई. ओके, अब यहाँ पे जितने भी फिल्टर्स है वो मैं अप्लाई कर सकती हूँ कि मुझे लास्ट 30 days की प्रोडक्ट्स का PO बनाना है. You can select these filters that I want to create PO for items which are added in last 30 days or 7 days. Okay, because sometimes some distributors have some conditions that they cannot accept orders below 1000, 3000. So in that case, you cannot generate purchase order every day. Okay, so I have applied this filter of last 7 days. I can apply some more filters. I can select certain distributor to place order. If I click on auto PO click करने से मुझे यहाँ पे information show होती है कि total 9 items shortbook में pending है in this date range. 9 items shortbook में pending है 8 तारीख से लेके 14 date तक September की, which has pending status. Okay, अगर customer ने कोई product request करी है तो आप उनका भी filter लगा सकते हो. Okay, अब आप यहाँ पे जैसे ही confirm करते हैं, 3 PO create हो रहे हैं 3 अलग-अलग distributor के नाम से. ओके, एंड 6 आइटम्स इग्नोर होंगे क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर सिलेक्टेड नहीं. ओके, टोटल 3 POs क्रिएटेड विद 3 आइटम्स कवर्ड. पहला तरीका ये है, हम इस तरह से ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं. एंड दूसरा लास्ट जो तरीका है, जिनके यहाँ पे एवरीडे मल्टीपल टाइम्स डिलीवरी होती, सो आप यहाँ पे सहाय के ऑटो PO से 2 स्लॉट्स तक टाइमिंग सेटअप कर सकते हो. जैसे कोई रात को 10 बजे ऑर्डर करता है एंड सुबह 8 बजे भी ऑर्डर लिखता है, तो उन तरह के बिजनेस केस के लिए आप यहाँ पे टाइमिंग सेटअप कर सकते हो. उस पर्टिकुलर टाइम पे सिस्टम शॉर्टबुक में जितनी भी आइटम्स होगा उसको अपने आप फेच करके एक परचेस ऑर्डर बना दे. सो विच एवर आइटम आर देयर इन योर शॉर्टबुक एट दैट पर्टिकुलर टाइम, सहाय विल ऑटोमेटिकली फेच दोज आइटम्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड क्रिएट परचेस ऑर्डर अकॉर्डिंगली. All you have to do is go to this PO section, check the orders which are created. You have to check the availability, whether you are using a third party application like PharmaRec, download the Excel, place that order there and check the availability, that this particular beta tablet is available for to crystal medicines or not. So आपका ये जो काम है कि आप manually एक एक product select करके PO बनाते हो, वो टाइम बिल्कुल ही कम हो जाएगा, अपने आप परचेस ऑर्डर क्रिएट होगा. जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे PO में आती है, आपको सिर्फ चेक करना है कि वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास अवेलेबल है या नहीं है. अगर नहीं है तो आप डिलीट कर सकते हो, और अगर अवेलेबल है देन यू कैन प्लेस द ऑर्डर.
ओके सो ये जो पूरा पीओ का प्रोसेस है वो हर तरीके से सेम ही होगा, अगर आप मैन्युअली पीओ बनाओ या ऑटो पीओ बनाओ, सारी सेटिंग सेम रहेगी। जहाँ पे मेन डिफरेंस आता है वो आपके टाइम और एफर्ट्स का आता है। एक एक प्रोडक्ट आप अगर क्लिक करके पीओ बनाओगे तो टाइम ज़्यादा जाएगा, सहाय से अगर बना रहे हो तो टाइम कम जाएगा। और जो सहाय के दो ऑप्शन है उन दोनों में डिफरेंस ये है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी, फर्स्ट ऑप्शन में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, सेकेंड में फ्लेक्सिबिलिटी कम है, बट उसका जो टाइम है आप अगर दिन में दो बार ऑर्डर लिखवा रहे हो जो इतना टाइम जा रहा है उसके बदले बिल्कुल टाइम नहीं जाएगा, अपने आप ऑर्डर्स बन जाएंगे। अभी मैंने एक बात करी थी बीच में कि पोस्ट परचेस एनालिसिस, पीओ यूज करने का सबसे मेन एडवांटेज ये होता है कि जब आप परचेस एंटर भी कर देते हो, आपने पीओ बना दिया, डिस्ट्रीब्यूटर को भेज भी दिया, अब जब उनके आप सीएसवी एंट्री करते हो तब आपका पीओ और सीएसवी दोनों कंपेयर होते हैं। ओके सो आपने कालकोल की 12 स्ट्रिप्स ऑर्डर करे बट डिस्ट्रीब्यूटर की साइड से सिर्फ 10 स्ट्रिप्स आई, तो दो स्ट्रिप अभी भी उन्होंने आपको नहीं करी है, डिलीवर नहीं करी, तो वो हम कैलकुलेट करते हैं बाउंस में, और अगर चार स्ट्रिप ज़्यादा बेच दिए तो वो हम डंप में कैलकुलेट करते। सेकेंड आपको दिख रहा है टर्न अराउंड टाइम फॉर डिस्ट्रीब्यूटर्स, यानी कि आपने जब ऑर्डर प्लेस किया वो टाइम स्टैम्प और जब आपने सी एस वी सेव करी उन दोनों के बीच में कितना टाइम था, डिस्ट्रीब्यूटर की डिलीवरी कितने टाइम में आ गई, वो हम इसमें देखते हैं। अब वो किस तरह से हम दिखाते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। ओके अब लास्ट 90 डेज में कितनी प्रोडक्ट्स मुझे ध्रुवी फार्मा से डंप हुई है या बाउंस हुई है वो मैं एक ही पेज पे देख सकती हूँ। अब मैंने उनसे कितने परचेस ऑर्डर पीओज ऑर्डर किए और कितने टाइम में मुझे डिलीवरी आ गई है वो इस पूरे सेक्शन में आप एनालाइज कर सकते हो। अब जो डिलीवरी आपके पास आई है उसका मार्जिन भी कंपेयर होता है, लास्ट 20 परचेस आप देख सकते हो यहाँ पर कि अगर मुझे यहाँ लॉस हुआ है तो कितने का लॉस हो। ये सब चीज़ें हम तभी ट्रैक कर सकते हैं जब आप सिस्टम को बताओगे कि आपने कब ऑर्डर प्लेस किया है, किनको ऑर्डर प्लेस किया है। ओके सो परचेस ऑर्डर यूज़ करना आसान है बट आपको कुछ स्टेप्स पर्टिकुलरली फॉलो करने हैं, बिकॉज इससे क्या होगा आपकी परचेस जो आप कर रहे हो उसका पोस्ट परचेस एनालिसिस मिलेगा, स्ट्रीमलाइन होगा पूरा परचेस। एक कंपैरिजन भी हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप यही काम मैन्युअली कर रहे हो तो आपको कितना टाइम लगता है और यही काम अगर आप ऑटोमेटिकली करते हो तो कितना टाइम लगता है। यस संजय सर बोलिए। नहीं मैं बाद में क्वेश्चन करता हूँ, आप बताइए। ओके ओके सी आपका शॉर्ट बुक प्रिपेयर करने में आपको डेली के 2 से 3 घंटे लगते हैं, मैन्युअली ये सारी चीजें पॉसिबल है। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि सिर्फ आप सॉफ्टवेयर यूज करोगे या एआई यूज करोगे तभी चीजें पॉसिबल है। 2 से 3 घंटे आपको लगते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में मंगवा रहे हैं, यही काम अगर हम ऑटोमेटिकली कर रहे हैं तो वन टाइम आपने प्रेफरेंस बता दिया एआई को, उसके हिसाब से अपने आप आपकी शॉर्ट बुक प्रिपेयर हो रही है। सेटिंग अ मिन मैक्स अब आप उसको मैन्युअली भी कर सकते हो, एआई से भी कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप सेटिंग अप एंड अपडेटिंग मिन मैक्स, अगर आप मिनमैक्स यूज ही कर रहे हो तो एक एक करके सारी प्रोडक्ट्स आप चेक करके मिनमैक्स अपडेट कर रहे हो वो आपके 5 से 6 घंटे लेता है वीकली, जबकि वो 10 से 15 मिनट का ही काम है अगर आप सिस्टम को देते हो। परचेस ऑर्डर क्रिएट करने में 1 घंटा लगता है ऑन एन एवरेज, जो अगर आपने सिस्टम को बता दिया है कि इतने टाइम पे पीओ बन जाना चाहिए तो 1 भी मिनट नहीं लग रही। पोस्ट परचेस एनालिसिस आप एक एक बिल देखोगे चेक करोगे तो उसमें 2 घंटा आपका वीक का जाता है जो आपको एक ही स्क्रीन पे मिल जाएगा रियल टाइम डेटा। तो सारी चीज़ें मैन्युअली भी पॉसिबल है, ऑटोमेटिकली भी पॉसिबल है,
आपकी स्टाफ की कैपेसिटी और आपका कितना टाइम आप इन्वेस्ट कर सकते हो उस पर डिपेंड करता है कि आप ऑटो करना चाहते हो या मैन्युअल करना चाहते हो। एनी क्वेश्चंस? वी आर ओपन फॉर क्वेश्चंस। जानवी बहन, मैंने एक क्वेश्चन रखा था कि जैसे अभी हम लोग रिपीट करते हैं, समझो आज की प्रोडक्ट मेरी हफ्ते पहले की प्रोडक्ट है, स्टाफ काम कर रहा है तो वो रिपीट नहीं होती है, तो हम लोग भूल जाते हैं और बाद में कस्टमर आता है तब हमको मालूम पड़ता है कि ये चीज हमारे पास नहीं आई है। तो ऐसे पर डे समझो कि 400-450 प्रोडक्ट मंगाते हैं तो 12 या 15 प्रोडक्ट नहीं आती है। तो पूजन भाई, आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि वो जो रिपीट के अंदर हमारा स्टाफ का टाइम बिगड़ रहा है तो एक हफ्ते के बाद वो अगली तारीख को आ जाए, यानी 7 दिन के बाद वो आज की न्यू डेट के अंदर भी शॉर्ट बुक में वो सब प्रोडक्ट आ जाए, या कोई ऐसा करने से वो आगे का जो रिपीट बाकी है वो। हाँ मतलब सर, रेगुलर कस्टमर्स होते हैं आपके जो, वही ना? नहीं, जैसे हमने बाजार में से मंगाया तो शॉर्ट बुक में से प्रोडक्ट डिलीट हो जाती है कि नहीं? हाँ। अच्छा, अभी कुछ चीज ऐसी होती है कि जो बाजार में से नहीं आई है। हाँ। समझो कि पर डे 400-450 प्रोडक्ट रखते हैं तो उनमें से ऐसा भी होता है कि 10-15 प्रोडक्ट नहीं आई है। अच्छा अच्छा अच्छा। एक दिन की 10-15 प्रोडक्ट, यानी 7 दिन की गिना तो 70-80 प्रोडक्ट हो गई, जहाँ से हमारा ध्यान चला गया। हाँ। तो वो प्रोडक्ट हमें लानी है कुछ भी करके, तो वो हम ऐसा सोचते हैं कि भाई हफ्ते का दिन दिया तो एक दिन के अंदर जो आगे का 7 दिन की जो भी शॉर्ट बुक है जो नहीं आई है वो यहाँ नई डेट में आ जाए। हाँ। जिससे क्या होगा कि हमारा टोटली ध्यान जो सुफियान भाई अभी कर रहे हैं तो उसके पीछे एक दिन बिगाड़ते हैं। समझ गया सर। मैं उसका एक आपको एग्जांपल देता हूँ। आप पीओ यूज करते हो सर? अभी मैंने किया था, जानवी बहन को मालूम है इसके बारे में। हाँ ओके। तो उसमें अभी हमारे पास ऐसा है कि अगर आज आपने पीओ बनाया है कोई, ठीक है, तो पीओ और शॉर्ट बुक एक साथ सिंक में रहता है। अगर आपने किसी आइटम का शॉर्ट बुक में डाल के पीओ बनाया है तो हम वो पीओ को ट्रैक करते हैं, ठीक है। एक ये चीज़ हो गया। उसके बाद दूसरा ये होता है कि हर एक पीओ आप खुद से पीओ की एक्सपायरी भी सेट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने पीओ की एक्सपायरी 3 दिन सेट कर दी, ठीक है, आपने समझो कि 2 दिन सेट कर दी, ठीक है, तो अभी वो आइटम का पीओ बना है, वो शॉर्ट बुक में पड़ा है, ठीक है, वहाँ पे दिख रहा है कि ऑर्डर है, ठीक है, उसका पीओ भी बोल रहा है, तो 2 दिन तक वेट होगा, ठीक है। उसके बाद वो पीओ एक्सपायर हो जाएगा। वो जैसे ही पीओ एक्सपायर होगा तो आइटम अभी आपके वहाँ ऑर्डर स्टेट में रहती है, ऑर्डर स्टेटस में, ठीक है, तो वो सीधी आके पेंडिंग में आ जाएगी। समझ रहे हो? पूजन भाई, जानवी बहन को मालूम है, मैंने तुरंत वो बंद करवाया था क्योंकि बहुत दिक्कत आई थी मेरी शॉप में, बहुत दिक्कत है। मैं समझ गया सर। वो पीओ में अगर आपको दिक्कत आई है तो उसका ऐसा अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उसका सोल्यूशन दे दें, हम देख लेंगे कि क्या प्रॉब्लम आई थी। लेकिन आपने जो बताया ना, वो मैंने तुरंत बंद कर दिया पूजन भाई। हम पर एक सजेशन ऐसा है कि समझो मैं पीओ यूज नहीं कर रहा हूँ तो शायद अभी हम लोग जैसे अभी जानी बहन ने बताया कि इतना घंटा बिगड़ रहा है उसका भी ऑप्शन है सर। तो इससे अच्छा था क्या एक ऑटो सिस्टम ऐसा जाएगी एक दिन की या 2 दिन की या 3 दिन की हम लोग आगे ले ले नई डेट में। हाँ सर, ऑटो सिस्टम तो डेवलप हो अगर हो गया तो अच्छा है, लेकिन अभी भी उसके इसका भी एक अल्टरनेटिव है। जब ई डैशबोर्ड्स आई थिंक आप ऑन कुछ लोगों में हो गया है बीटा में, ठीक है, तो उसमें हमारे पास एक ऑप्शन है, हम दिखाते हैं कि आपने अगर कितने टाइम पहले ये शॉर्टबुक में ऐड की है, ठीक है। उसमें हमने टाइम भी दिया आपको कि भाई 3 घंटे पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, ठीक है। तो वहाँ आप जैसे क्लिक करोगे ना तो वहाँ पे फिल्टर ओपन हो जाएगा। आई थिंक जानवी दिखा रहे, डेमो हो सके तो बताओ। हाँ सर, जानवी एक मिनट दिखा रहे हैं। ओके, दिख रहा है आपको सर? हाँ सर, ये सब नहीं दिख रहा होगा, कुछ लोगों में होगा क्योंकि अभी ओपन फॉर ऑल नहीं है, बीटा में चल रहा है। लेकिन क्या होने वाला है हम आपको बता देते हैं। लास्ट में जाओ एक बार। ओके ओके सर, दिख रहा है आइटम स्टेटस बाय टाइम रेंज, लास्ट वाला, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने लास्ट 6 लास्ट 6 घंटे में सबसे पहला है, ठीक है, कितने आइटम कौन से स्टेटस में डाली है, ठीक है। तो जो पर्पल कलर का है वो ऑर्डर का है और जो ब्लू कलर का है वो पीओ जनरेटेड का है, ठीक है। ऐसे आपको टाइम रेंज मिलेगा। अभी आपको ऐसा करना है कि भाई अगर मैंने
तीन दिन पहले कोई भी आइटम ऑर्डर की है, ठीक है, तो मुझे वो आइटम चेक करनी है कि वो क्यों नहीं आई है। तो जैसे सेकंड लास्ट है ना जो, ठीक है, सेकंड लास्ट, तो वो पास 3 to 7 days का है। कर्सर, एक मिनट, हाँ दिख रहा है, ये रहा, ठीक है, पास 3 to 7 days, मतलब अपने 3 दिन पहले इसको ऑर्डर किया है। तो वैसी आइटम को हम फिल्टर आउट करेंगे। फिल्टर आउट कर दो एक बार ऑर्डर वाली आइटम्स को। तो अब यहाँ पे जैसा क्लिक करोगे, नहीं वहाँ पे क्लिक करो, वो बार पे क्लिक करो, रीडायरेक्ट करो। सेकंड सर, पूरा स्क्रीन शेयर कर रहा है क्योंकि वो नेक्स्ट टैब में ओपन हो रहा है, इसलिए नहीं दिख रहा है। 2 मिनट। ओके, हाँ ओके, एक मिनट रुको। देखो सर, यहाँ पे पास 3 to 7 days में, ठीक है, उसमें हम ऑर्डर्ड वाली आइटम्स है उसको फिल्टर आउट करेंगे, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे जैसे ही क्लिक किया तो एक टैब में ओपन हो गया कि आपने 3 दिन पहले इतने आइटम ऑर्डर किए, तो आप सीधा फिल्टर आउट कर सकोगे, समझे सर? बराबर, हाँ। फिर आपको यहाँ से जो भी आप डिस्ट्रीब्यूटर चेंज करके फिर से ऑर्डर करना है तो आप कर सकते हो। ओके, वन क्लिक हो जाएगा। ऑटो पियो करना पड़ेगा ना? नहीं नहीं सर, इसमें कोई ऑटो पियो नहीं है, सिंपल शॉर्टबुक के ऊपर ही चलता है, इसमें पियो नहीं है। अच्छा, तो मैं अभी थोड़ी देर के बाद कॉल करता हूँ समझने के लिए, क्योंकि अभी कर रहे तो। हाँ हाँ, कोई बात नहीं सर, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हाँ हाँ, देख लेता हूँ मैं। हाँ ठीक है सर, देख लीजिए एक बार, आप खुद से देख लीजिए और फिर ऐसा है तो कॉन्टेक्ट कीजिए। मेरे में दिखाई नहीं दे रहा है उसकी वजह से। ठीक है सर, बीटा बीटा रोल आउट है इसलिए सब में नहीं दिख रहा होगा। देख लेता हूँ, मैं ऐड करवा देता हूँ, ऐसा तुम थोड़ा टाइम दीजिए। ओके, हाँ सर, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन टेक। यस नितेश सर। अरे जानवी मैडम, पीओ जनरेट, ऑटो पीओ जनरेट में सीएसवी फाइल जाए रिसीव लिए तारे रिमूव થઈ ગઈ છે આઇટમ ફોર્મ માં हो जाता है सर, अपने आप पीओ लिंक हो जाता है सीएसवी से। ओके, मैंने स्टार्टिंग में चलाया था लेकिन कुछ हुआ ना, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था इसलिए मैंने बंद कर दिया। आपको ऑप्ट इन ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा शॉर्टबुक के अंदर, बिकॉज़ अगर आप ऑटो पीओ यूज कर रहे हो तो एक डिफाइंड सेटिंग ही है शॉर्टबुक के अंदर जो आपको यूज करनी होगी, वो अगर आप शॉर्टबुक की सेटिंग यूज करोगे ना तभी ये पूरा प्रोसेस स्ट्रीमलाइन होगा कि पीओ और आपका सीएसवी लिंक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और एक ये भी चीज हमको नितेश सर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ध्रुवी फार्मा से कुछ ऑर्डर किया है तो वहीं से आना चाहिए, तो ही प्रोडक्ट रिमूव होगी शॉर्टबुक में से। हाँ, वो पता है, वो पता है मुझे। लेकिन वो सेटिंग क्या है मैडम, जरा दिखा दीजिए तो। ओके, देखिए शॉर्टबुक की ये वाली सेटिंग आपको ऑन करनी होगी। देखिए अगर आपने कंपलसरी ऑप्ट इन फॉर परचेस ऑर्डर अगर इस पे आपने यस किया है तो कंपलसरी एप्लीकेबल टू ऑर्डर्ड स्टेटस परचेस क्वांटिटी मैच विद शॉर्टबुक क्वांटिटी देन ओनली रिमूव दी शॉर्टबुक एंट्री, ये आपका सेटिंग होना चाहिए। ओके, अगर चलो 4 तारीख को ऑर्डर किया है पीओ जनरेट में, इसमें 2 ही रिसीव हुआ है तो बाकी की 2 पेंडिंग में चली जाएगी या पीओ में रहेगी? वो पीओ में ही रहेगी सर, अंटिल पीओ एक्सपायर्स। जब पीओ एक्सपायर होगा, अगर आपने पीओ एक्सपायरी का डेट 1 day रखा है या 2 दिन रखा, ओके, एक दिन के बाद पीओ एक्सपायर होगा वो प्रोडक्ट जो 2 अभी भी पेंडिंग है वो शॉर्टबुक में पेंडिंग स्टेटस में गिरेगी, फिर उस दिन जो पीओ बनाओगे उसमें वो आइटम इंक्लूड होगा। ओके ओके, थैंक यू। यस वैभव सर। हेलो जानवी मैम, अभी ये जो पीओ जनरेट हो रहा है ना, तो पीओ को फिर 2-3 दिन का पीओ होगा और पीओ हमको करना होगा, तो ये मर्ज का सिस्टम है क्या? मतलब मैं डिस्ट्रीब्यूटर का जो पीओ बन रहा है तो 2-3 बनता है, तो उसको हमको मर्ज करना है, 3 को एक साथ में ही करना है, तो वो पॉसिबिलिटी है क्या सर? वो ऑलरेडी सिस्टम में है,
सिस्टम अपने आप आपका पीओ देखता है और समझो आपकी तीन अलग अलग परचेस ऑर्डर है और एक ही सीएसपी में डिस्ट्रीब्यूटर ने आपको सबका डिलीवरी किया है, तो सिस्टम अपने आप वो तीन पीओ को एक सीएसपी से लिंक कर देता है, अपने को मैन्युअली कहीं भी अटैच नहीं करना होता या मर्ज नहीं करना होता। ओके मीन्स वो कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि अभी मेरे को परचेस ऑर्डर जो क्रिएट हुआ है ऑलरेडी बराबर है, तो मेरे को परचेस ऑर्डर वो सेंड करना है मेरे सप्लायर को, तो अलग अलग पीओ तीन बना हुआ है तो आइटम भी अलग अलग होते हैं, तो उसको भी मेरे को तीन सप्लायर को मर्ज करके फिर बाद में उसको परचेस ऑर्डर मेरे को परचेस करना है, तो वो मर्ज का सिस्टम क्या है क्या फिर अलग मुझे उसमें मैन्युअली एडिट करके फिर वो दो रिमूव करना पड़ेगा परचेस ऑर्डर? सर मर्ज मतलब अगर आप ऐसा बताओ कि अभी आपने कोई डिस्ट्रीब्यूटर के लिए अभी पीओ बनाया है, ठीक है, और फिर से दो घंटे बाद दूसरा पीओ बनाया है, तो आपको दोनों को एक साथ सेम सप्लायर। ओके सर मतलब इसका रीजन क्या होता है कि मल्टीपल पीओ बनते हैं उसका? वो मतलब मैं दो तीन दिन का रखा है ना सर, दो तीन दिन का रखा हुआ है, तो कोई दर ऐसा रहता है ना कि वो डेली का ऑर्डर नहीं रहता और हमारा वो डेली पीओ जनरेट होता रहता है सर, बराबर है, तो उसमें कई कबार ऐसा रहता है कि भाई सप्लायर का वो पीओ फिर से मतलब मैं एक पीओ जो जनरेट होता है उसमें तीन आइटम होती है और दूसरा जो सप्लायर का होता है उसमें दो आइटम रहते हैं और कोई में एक रहता है, तो अलग अलग आइटम रहती है पीओ में, तीन पीओ बनेगा एक सप्लायर का अलग अलग आइटम से। ठीक है तो हाँ तो उसको फिर हम अलग अलग फिर क्या वो फिर से वो डिलीट करना पड़ेगा और उसमें हम एक का पीओ में एडिट करके मैन्युअली डालना पड़ेगा, तो क्या उसमें मर्ज का ऑप्शन कुछ है सर? सर मर्ज का प्रॉब्लम इसीलिए हो रहा है, अभी आपको अभी मैंने जो एक्सपायरी का बताया ना हम मर्ज कर रहे थे, लेकिन मर्ज में क्या होता है सर कि अगर आपने आज कोई पीओ बनाया, ठीक है, फिर कल बनाया और फिर परसों तीसरा बनाया पीओ, ठीक है, तो तीनों पीओ एक साथ है, ठीक है, अभी आपने रखा एक्सपायरी तीन दिन का है, ठीक है, ओके ओके, तो अभी जो पहले दिन का पीओ था, ठीक है, पहले दिन जितने आइटम हुई थी वो अभी कल एक्सपायर होने वाली है, ओके सर, उसको चार दिन हो गए, लेकिन अभी दूसरे दिन हुई थी वो हम कब एक्सपायर करें क्योंकि वो तो उसको तो अभी दो दिन हुए और जो तीसरे दिन आया उसको तो अभी एक ही दिन हुआ है, तो ओके सर कन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो सर अभी इसका सॉल्यूशन में मैं क्या अभी एक दिन का एक्सपायरी रखूंगा? मैं समझ गया, मैं बस इतना बता रहा कि हमने मर्ज क्यों बंद किया, ठीक है, आपका जो प्रॉब्लम है वो एक्चुअली मतलब अभी मुझे ध्यान में आया कि ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है हम देख लेते हैं कि अगर कुछ पॉसिबल है तो, वरना अगर सर ऐसा होता है ना कि जहाँ पे हर रोज डिस्ट्रीब्यूटर ऑर्डर रिसीव नहीं करते, ठीक है, हम ऐसा सजेस्ट करते हैं कि ऑटो पीओ का जो ऑटोमेटिक जो प्रोसेस है उससे अच्छा है कि जो वन क्लिक ऑटो पीओ बनता है ना उसमें आप जाओ, तो उसमें क्या होता है सर वहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूटर को फिल्टर कर सकते हो, कैटेगरी वाइज फिल्टर कर सकते हो, सब कुछ फिल्टर कर सकते हो, ठीक है, तो आज आपको जितनों के भी ऑर्डर बनाने हैं वो फिल्टर आउट कर दिया आपने और क्लिक कर दिया तो पीओ रेडी हो जाते हैं। ओके सर, तो सर वन डे का एक्सपायरी रखेंगे तो सर अगर तो फिर मतलब मैं अगर जो लास्ट वाला होगा वो डिलीट हो जाएगा तो फिर से उसका पीओ बन जाएगा फिर? हाँ फिर से पीओ बन जाएगा सर, दूसरे तो वन डे का मैं कर सकता हूँ ना, तो फिर हाँ वो भी पॉसिबल है सर, वो भी पॉसिबल है। ओके वही सर, क्योंकि दो तीन सप्लायर हो जाता है ना सर, एक ही सप्लायर का दो तीन हो गया तो इसकी वजह से वो पॉसिबल है सर, हाँ हो जाएगा, हम ऐड कर देते हैं दूसरे दिन भी। ओके सर, ओके। एंड इधर मुझे एक और चीज भी ऐड करनी है कि अगर आपके पीओ की वैल्यू बहुत कम वैल्यू के पीओ बन रहे हैं तो आपको ये वन क्लिक ऑटो पीओ ही यूज करना चाहिए, राइट, क्योंकि उसमें ऑर्डर की वैल्यूज भी ज्यादा होती है, क्योंकि आपने डे ट्रेन सिलेक्ट किया कि सात दिन के जितने भी आइटम्स है वो क्लब होके एक पीओ में बने, उसकी ऑर्डर वैल्यूज भी ज्यादा होगी। अगर आपने ये वाला ऑटो पीओ सिलेक्ट किया है तो ये एवरी डे रिगार्डलेस की एक प्रोडक्ट है या दो प्रोडक्ट है उसके अलग अलग पीओ बनाएगा। हाँ तो लेकिन कोई बात नहीं है, तो वो एडिट करके मतलब मैं जो नहीं है इमरजेंसी वाला नहीं है तो वो निकाल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। यस ओके मनोज सर, मनोज सर म्यूट पे आप। सर यू आर इन म्यूट, म्यूट पे। ओके मार्शलेट फार्मेसी, यस सर। यस मैम, मेरे को इशू काफी दिनों से है शॉर्ट बुक और पीओ में, मैंने एक पीओ बनाया था ध्रुवी फार्मा का,
ओके आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल सर आपकी आवाज आ रही है। तो वो पीओ लिस्टिंग में शो नहीं हुआ था, इसको मैंने इश्यू भी रेज किया था 7 दिन पहले। मतलब वो पीओ लिस्टिंग में ही शो बनाया है, बट वो लिस्टिंग में नहीं आ रहा है। लिस्टिंग में शो नहीं हुआ, उसके बाद क्या हुआ? वो आइटम आ गए, उसका परचेज चढ़ गया। अब वो जो 6 तारीख से जो आइटम है ना, वो सारे अभी तक शॉर्ट बुक में ऑर्डर स्टेटस में दिखा रहे हैं। उसके बाद भी उसके ध्रुवी के कुछ आइटम और भी हैं, वो भी ऑर्डर स्टेटस में दिखा रहे हैं, वो एक्सपायर नहीं हो गए। ओके सर, आपने इसका इशू कब रेज किया है? ये मेल मेरे को 1 वीक हो गया मैम, और आज मैंने फिर से एक इशू रेज किया है, आप एक बार देख लीजिएगा उसको। ओके ओके सर, ये जो आपका इशू है वो हम देख लेते हैं कि आपने अभी रेज किया है, तो वैसे यूजुअली ऐसा होता नहीं है। मैंने इसमें रेज किया था, लेकिन मेरे पास एक बार कॉल आया, उसके बाद में उसके लिए कुछ रिवर्ट आया नहीं। उन्होंने बोला हम चेक करते हैं, कोई शॉर्ट लिंक कहीं इशू हुआ है तो, लेकिन उसके बाद कोई कॉल नहीं आया मुझे। ओके सो यू आर मैन्युअली क्रिएटिंग ऑर्डर्स करंटली? या या ऑलराइट। ओके सर, हम देख के आपको आपके फार्मेसी मार्शलेट फार्मेसी आई विल रिवर्ट यू बैक ऑन दिस। श्योर श्योर, थैंक यू। ओके मनोज सर, आपका कोई क्वेश्चन था? हाँ, अभी आ रही है आवाज मेरी? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। मैं ये कहना पूछा चाह रहा था, इसमें एक्सपायरी स्टॉक को कैसे कंसीडर करता है पीओ में? मतलब हमारे पास सपोज करो 10 स्ट्रिप की डिमांड क्रिएट हो रही है पीओ में, है ना, और मान लो 5 स्ट्रिप हमारे पास एक्सपायर पड़े हुए हैं, तो वो उसको इंक्लूड करके पीओ बनाएगा या उसको माइनस करके बनाएगा? सर वो जो लास्ट टाइम हमने बात किया था कि वो ही है कि एक्सक्लूड आपका एक्सपायरी आइटम है वो ऐसे क्वांटिटी अभी हम गिन रहे हैं, जब तक आप नहीं निकालते हो उसको रिटर्न में नहीं निकालते हो तो तब तक गिन रहे हैं, तो उसके हिसाब से ही शॉर्ट बुक चेंज होता है, तो पीओ भी उसके हिसाब से ही बनता है। तो अगर आपके वहाँ 5 एक्सपायरी आइटम्स पड़ी है, ठीक है, तो एज अ स्टॉक इन स्टॉक गिनेगा उसको। पर इसमें तो AI ये कर सकता है ना सर कि भाई एक्सपायरी को तो माइनस करके बन लगाए इसमें, तो कोई सेंस नहीं है ना सर? समझ गया मैं सर, क्या बोल रहे हो उसका। सर मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि उस पे पूरा एक सिर्फ सहायक का नहीं है वो, एक ये है कि अगर हो जाएगा तो वो सिस्टम लेवल पे हो जाएगा, ठीक है, तो आपको कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ सहायक में नहीं, शॉर्ट बुक में नहीं आएगी, कहीं पे नहीं आएगी, वो हो जाएगा। तो नहीं, ऑटो पीओ के मैटर में क्या होगा कि हम पकड़ नहीं पाएंगे ना कि एक्सपायरी स्टॉक भी पड़ा है क्या हमारे पास, इसलिए जरूरी है ऑटो पीए में, तो कम से कम ये जरूरी हो गया ना। एक्सपायरी स्टॉक सर आपके वहां पड़ा रहता है, वो कितने टाइम तक पड़ा रहता है, मतलब अंदाजन? देखो हर 3 महीने में एक्सपायरी जाती है, जनरली हर महीने तो जाती नहीं है, और जब हम चैन फार्मेसी की बात करेंगे, है ना, और हमारे पास जैसे चाइल्ड फार्मेसी की, तो वहां से जब ऑर्डर आएगा वेयर हाउस में और स्टॉक वहां पे डेड स्टॉक पड़ा हो कुछ होगा, तो फिर वो कैसे वो मतलब बनेगा सही सही, तो वो पीओ बनेगा नहीं आगे पीओ तो? हाँ पीओ नहीं बनेगा, मतलब अगर इस महीने के अगर कोई दवाई आपकी एक्सपायर होती है, ठीक है, अभी तो पहले ही वीक में अगर आप उसको निकाल देते हो, ठीक है, आपका जो ब्रांच है वो स्टॉक ट्रांसफर बनाएगा आपके लिए, ठीक है, तो वहां से कम हो गया, ठीक है, तो जो अभी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा ना। और दूसरा एक सवाल मेरा ये था कि ये स्कीम को कैसे मैनेज करते हैं उसमें, मतलब ऑटो पीओ के कंडीशन में स्कीम को कैसे कैलकुलेट करता है सिस्टम? स्कीम आप सर ब्रांच लेवल पे बोल रहे हो कि मतलब नॉर्मल आपके ब्रांच लेवल पे भी और चाइल्ड फार्मेसी लेवल पे भी? हमारे पास जब ऑर्डर आएगा, मतलब हम जो डिस्ट्रीब्यूटर को ऑर्डर करेंगे उस लेवल पे, ऑटो पीओ का मतलब ये हुआ, जैसे मान लो सपोज करो 12+1 की स्कीम है और ऑर्डर हमारा बन रहा है मान लो 10 स्ट्रिप का, तो वो 10 स्ट्रिप ही उसमें ऑर्डर में जाएगी या वो ऑर्डर के अकॉर्डिंग 12 पे शिफ्ट कर देगा उसको? नहीं, 10 ही जाएगी सर, वो हम क्वांटिटी प्लस नहीं करते हैं उसको अभी।
पर ये तो एडवांस जरूरी है, मतलब हमें ऑटो पीओ सर अभी ऑटो पीओ का जो है उसका टेक्नोलॉजी या लॉजिक ये है कि आपका जो शॉर्ट बुक रेडी होता है ना, जो आपका शॉर्ट बुक, तो उसको अगर आप ब्रांच हो तो ब्रांच से एचओ तक रिक्वायरमेंट भेजना, और अगर आप नॉर्मल हो तो आपका रिक्वायरमेंट जनरेट करके रख देना टू सेंड टू द डिस्ट्रीब्यूटर, वो ही ऑटो पीओ का काम है। मैं समझ गया, वहां से जो डिस्ट्रीब्यूटर को जाने का है उसको ऑटो नहीं करना है। नहीं नहीं, वो तो ऑटो नहीं है, लेकिन स्कीम भी अभी हम चेंज नहीं करते। आपका शॉर्ट बुक जो भी रेडी होता है ठीक है, उसको ऑटो किया है हमने। स्कीम का अगर आपने पूछा ही है तो सर मैं बता देता हूँ कि स्कीम पे हम काम कर रहे हैं, कि आपको अगर स्कीम है तो हम आपको सजेस्ट करें सहाय में कि भाई इसमें इतनी स्कीम मिल रही है, तो अगर आपको चेंज करना है ठीक है, उस पर काम चल रहा है, लेकिन अभी उसका कोई भी फैसिलिटी नहीं है। वो होगा तो इसमें इंक्लूड आ जाएगा, और अगर हो सकता है तो ऑटोमेट भी हो जाएगा, लेकिन अभी ऑटो पीओ का मतलब ये है कि आपका जो रिक्वायरमेंट है ठीक है, तो वो पड़ा ना रहे आपके स्टोर पे, उसको अगर एचओ में भेजना है तो एचओ में भेज दो, उसको डिस्ट्रीब्यूटर में भेजना है तो उसके लिए रेडी कर दो पीओ, तो आपको सिर्फ सेंड करना रहे, वो ही काम है ऑटो पीओ का। हाँ समझ गया, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर को जब जाएगा तो हम एक बार चेक करेंगे उसको ऑटो पीओ का, ऐसा नहीं है। उसके लिए सर प्लेस ऑर्डर का जो पूरा सिस्टम है उसके लिए ही है कि जब आप डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट में हो तो भी आप उस पीओ में कैसे चेंज कर सकते हो। अगर उसका डेमो नहीं लिया है तो सर आई सजेस्ट कि आप उसका एक बार डेमो ले लीजिए, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। उसके लिए बना है कि स्कीम वहाँ पे उनको पता चलती है, अवेलेबिलिटी पता चलती है, साथ साथ में वो चेंज करते रहते हैं। उसके लिए पूरा हमने सिस्टम बनाया है प्लेस ऑर्डर का पीओ में जाके, वो एक बार सर आप डेमो ले लीजिए, अच्छा रहेगा। पर वो वहाँ पे उस लेवल पे हमें ये तो पता लगना चाहिए कि भाई पिछली बार ये स्कीम थी इस पे, ये मैनुअल तो पता लगना चाहिए ना। वो अपने लेवल पे जो मैनुअल और जो हमने पीओ और से हमारे सजेशन आ गया हमारे पास कि हमें 10 स्ट्रिप की रिक्वायरमेंट है, अब ये पता लगना चाहिए कि हमारे पास 12 प्लस की स्कीम पहले आई हुई है और ये स्कीम इस पे हमें एप्लीकेबल है, मतलब मिल जाएगी, हमें ध्यान देना चाहिए। समझ गया सर। सर एक बार आप ऐसा है तो इसका डेमो लेना, तभी आप उसको उनको फीडबैक दे देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो पीओ का पूरा प्रोसेस जो चेन फार्मेसी ब्रांच एचओ जो भी है ना एंटरप्राइज का, वो उसकी टीम हैंडल करती है, तो वो आपको अच्छा गाइडेंस दे सकेंगे उसके लिए। तो उसके लिए मुझे किससे कॉन्टेक्ट करना होगा? नितेश से कनेक्ट कर लीजिए आप वापस से। अच्छा, अभी नितेश कोल्हापुर में है, मैं आपको कांटेक्ट शेयर करती हूँ हामिद का। ओके, नहीं हामिद का कांटेक्ट और जानवी का मेरे, सॉरी मेरे पास है दोनों का, मैं मंडे को कनेक्ट करूंगा। ओके ओके ओके, हम साकेत सर, यू हैव एनी क्वेश्चन? हाँ एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये एक जैसे इशू था दोन जो हम अभी लाइक ऑन अ डेली बेसिस वी आर फेसिंग कि व्हेन वी आर डूइंग द परचेज एंट्री एंड वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटर का नाम डालने का ऑप्शन आता है, सो व्हेनेवर यू आर पुटिंग लाइक अ नेम ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटर, सपोज फॉर एग्जांपल इफ आई एम मॉडर्न फार्मा कंपनी से हमारा सामान आता है, सो इफ आई एम पुटिंग मॉडर्न, सो इट शोज मी मॉडर्न फार्मा मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ ऑल ओवर इंडिया, लाइक देयर लाइक 10 डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर दैट शोज अप, सो देयर ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं दैट स्टाफ ने परचेज एंट्री करा एंड ही इज जस्ट सिलेक्टिंग लाइक द रॉन्ग वन, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटर, नाम सेम है बट ही सिलेक्टिंग लाइक द रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटर, सो आई जस्ट वांटेड टू लाइक नो इफ देयर इज अ स्कोप कि आप ये ऑल ओवर इंडिया का जो शो करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स, कैन यू जस्ट लिमिट इट टू लाइक व्हाटएवर इज इन आवर अकाउंट और लाइक एटलीस्ट इन आवर स्टेट और समथिंग लाइक दैट, आई थिंक प्रेफरेबल वुड बी जो हमारे अकाउंट में ऑलरेडी है, अगर हमें कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर ऐड करना है दैट वी कैन एनीवेज ऐड टू जीएसटी नंबर, यू नो व्हाट आई मीन, सो लाइक व्हाइल परचेज एंट्री व्हाट वी हैव लाइक वी आर डूइंग एटलीस्ट लाइक मोर देन 50 एंट्रीज एवरी डे, तो क्या होता है तो उसमें काफी इश्यूज आ रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस बिकॉज़ इट्स शोइंग द डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ ऑल ओवर द कंट्री और एवरीवन हैज लाइक देयर आर 10 डिस्ट्रीब्यूटर्स विद द सिमिलर नेम, सो एक इस पे अपडेट आया था अभी रिसेंटली कि आप जिन डिस्ट्रीब्यूटर से डील कर रहे हो ना पहले टॉप वही शो होते,
आपके एरिया के बाहर के आप डील नहीं कर रहे हो उनसे, राइट? तो वो आपको लिस्ट में टॉप में आते ही नहीं है. या बट आई डोंट थिंक दैट इज शोइंग नाउ. ओके, नीलम इज इन द कॉल. नीलम, वी हैड एन अपडेट अबाउट दिस, राइट? See, whenever they are entering any purchase, see, if they are entering modern distributor, so the list comes pan India and not in according to their area. So whenever they are for doing purchase entry, the purchase register from any other distributor. All right. Okay, Saket sir, we have noted this point. I'll update you about this. So some of the distributors just don't show, even though that is the only distributor that we are purchasing. So if I have to give you an example, I'm giving you like an example of Modern. That is like a boy. We purchase from them, like they are one of the biggest suppliers for us, but they don't show only on our distributor list. Like most of the time, we have to copy the GST number from like the distributor's page and then paste it on the thing, and then only they show. Agar main Modern likhta hu, so it shows me a Modern pharma from my state, like the first on top of the list, but that is not the one that we purchased from or we have ever purchased from. And then it shows me like for all over the country Modern pharma. So yeah, sure, I'll put that one in the chat. Okay, Vaibhav sir, you have any question? Yes ma'am. जी, अभी ये purchase order madam जो create कर रहे हैं ना, तो उसमें remark का option, क्योंकि कई बार रहता है ना purchase analysis करते हैं तो वो scheme नहीं दे पा रहा है, तो यहाँ पे हम क्या item पे each item का remark, मतलब में वो साइट में जो रो कॉलम आती है ना, तो उसके सामने वो रिमार्क आ जाए कि भाई इस बिल में इतना नहीं दिया, तो अभी आपको वो स्कीम नेट करना है, तो वो चीज थोड़ा आप परचेस ऑर्डर जब बनाते हैं ना, तो उसमें एक रिमार्क का ऑप्शन आप डालिए मैडम, क्योंकि ये बहुत जरूरी है. और मैं अभी परचेस एनालिसिस करवाता हूँ, लेकिन वो मेरा स्टाफ बिल बनाते हैं, तो वो मतलब मैं वो वहाँ पे एक्शन लेते हैं ना, वो मैं मॉनिटर नहीं कर पा रहा हूँ. बराबर है, तो मैडम ये चीज आप रिमार्क वाला जो चीज है ना, तो वो करवाइए मैडम. सो आफ्टर यू जनरेट पीओ, पीओ या पीओ जनरेट के पहले, पीओ जनरेट के मतलब पीओ जनरेट किया ना, तो अगर एडिट ऑप्शन आता है, तो एडिट ऑप्शन में जो आइटम का क्वांटिटी डालते हैं, फॉर एग्जांपल 10+1 की स्कीम आती है, तो अभी 10+1 तो हम कर नहीं सकते, बराबर है, लेकिन हम उसको बोल सकते हैं ऑपरेट स्कीम, बराबर है, और ऑपरेट नेट स्कीम, तो वो चीज हम उसमें स्पेसिफिक कर सकते हैं मैम. जो मतलब में जो परचेस ऑर्डर जनरेट हो गया, बाद में जो लिंक में जनरेट होता है ना मैडम, तो वो बाजू में कॉलम में दिखे कि भाई हाँ ये स्पेसिफाई किया हुआ उन्होंने. अब अगर आप क्वांटिटी नहीं मेंशन कर सकते हो, तो रिमार्क में हम कुछ भी डाल सकते हैं, क्योंकि परचेस एनालिसिस के थ्रू जो जो लास्ट टाइम हमको वो उसने स्कीम या नेट नहीं किया, तो हमको उसको वो बता सकते हैं कि भाई ये आपको इस बिल में करना है. ओके वैभव सर, मैंने नोट डाउन कर लिया है, इट्स अ इंप्रूवमेंट ऑफ फीचर रिक्वेस्ट. वी विल हैव अ लास्ट क्वेश्चन. लाइफलाइन सीएनबी, यू रेज योर हैंड. यस सर, आई हैड अ सिमिलर प्रॉब्लम दैट साकेत सर इज आल्सो फेसिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूटर. इज लाइक यू हैव टू पुट m/s, सम डिस्ट्रीब्यूटर्स हैव, इफ यू डोंट पुट अ डॉट इट्स अनएबल टू पिक अप that distributor. I have to remember how the name is saved every time, and I have to type it specifically. Okay sir, like that problem is genuine and we will consider it. So if it is possible, so we are also searching through the GST number. So if you have the GST number on hand, then you can just type the GST number directly. Yeah, but when you are adding it in the short book, if you want to select, That is also possible. Okay. Fine. Yeah. Okay, sir. Arvind sir, we'll have a last question and then we will end the session. अभी जो short book है, उसमें कौन से user ने कौन सी product sort out short book में डाला है, वो कोई user ID का कोई नाम आ सके, ऐसा हो सकता है?
किस स्टाफ ने ऐड किया है वो? हाँ, तो कौन से स्टाफ ने शॉर्ट बुक में ऐड किया है, तो वो जो शॉर्ट बुक में उसकी आईडी मेरे को शो नहीं करता कहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम ऐड हो सकता है? मैं रेज कर देता हूँ सर ये रिक्वेस्ट, अगर हो सकता है तो आपको कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा है कि अगर कोई भी आपको पूछे बिना डाल देता है तो आप एक चीज़ कर सकते हो, उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो शॉर्ट बुक को परमिशन बेस पे, तो हर कोई एक्सेस कर रहा है तो आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। हाँ, हर कोई सबको सेल बिल के लिए है, मगर कौन सी कोई भी प्रोडक्ट रहती है स्पेशल भी रहता है, तो वो अभी कौन ने क्या शॉर्ट बुक में डाला है तो हमको पता नहीं चल रहा, इसलिए। ओके ओके सर, ये हमने नोट कर लिया है, आपका जो अपडेट आ जाएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, हमारी टीम आपको इन्फॉर्म कर देगी। ओके ओके। नीला, छोटा सा सजेशन था मेरा, अभी ये परचेज की जो समस्या आ रही है ना, मतलब अदर स्टेट के डिस्ट्रीब्यूटर भी आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता इसमें कि जब जीएसटी नंबर से सर्च करें हम तब तो वो अदर स्टेट का मतलब हमें ऐड करना है तो आए, अदरवाइज वो नाम से सर्च करें तो हमारे जिनसे ट्रांजेक्शन हुए पहले वो ही आए केवल। सर इसका एक अलग से कम्युनिटी कॉल होगा जैसे नीलम ने बताया, उसमें हम ये डिस्कस करें तो बेटर रहेगा मनोज सर। ओके सर, ओके मैडम, ओके मैडम। ओके मनोज सर, वो जो लिंक आएगी उसमें हम ये डेडिकेटेडली डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वहाँ हो सकता है आपको इसका सॉल्यूशन भी मिल जाए, बिकॉज अभी जैसे साकेत सर ने बताया, आपने भी बताया ये प्रॉब्लम है, तो हम भी पहले एक बार डिस्कस करेंगे और हो सकता है उस कॉल तक एक सॉल्यूशन आ भी जाएगा। वी विल एंड दिस सेशन। ओके, जो हमारी पूरी सीरीज थी ऑटो पायलट परचेज की, वी आर एंडिंग इट हियर। ऑलराइट, we will have a repeated session on this same topic again. All right, so thank you everyone for joining.